चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया। चौधरी बरादरान ने चेयरमैन नैब के इख्तियारात को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने चेयरमैन नैब के खिलाफ दायर दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार किया कि चेयरमैन नैब को 19 साल पुराने केस और बंद की गई इंक्वायरी दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं है। गुज़िश्ता समाअत पर सदर लाहौर हाई कोर्ट बार ताहिर नसरुल्ला वड़ाइश ने बेंच के रुकन जस्टिस फारूक हैदर की जानिब से चौधरी बरादरान की दरख्वास्त पर समाअत करने पर एतराज उठाया और कहा था कि जस्टिस फारूक हैदर चौधरी बरादरान के मुतअद्दिद केसेस में पेश होते रहे, लिहाजा जस्टिस फारूक हैदर समाअत न करें। जिसके बाद जस्टिस फारूक हैदर ने इस केस की समाअत से माजरत कर दी और कहा वो इस केस की समाअत नहीं कर सकते। जस्टिस फारूक हैदर ने केस की समाअत से माजरत कर थी जिसके बाद समाअत करने वाला बेंच टूट गया था। बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार अहमद नईम ने नया बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल की थी। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन की नैब के खिलाफ दरखास्त पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस अशरद गुराल पर मुश्तमिल बेंच इस केस की समाअत करेगा।